नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कण्वा नगरी लाइव में। और आज हम पहुंचे हैं बलभद्रपुर में, और यहाँ पर आप भी देख ही रहे हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्री बंद भी है। लेकिन एक अरिस्थम प्रोबायोटिक्स में हम यहाँ पर पहुँचे हैं, और ये जो अरिस्थम है ये वाइन्स बनाती है। और मुझे ये बताया गया है कि इससे पहले उत्तराखंड में 3 जगह पर वाइन्स बनाई जाती थी, और शायद वो सारी बंद हो गई हैं। लेकिन कोटद्वार में एक वाइन्स के लिए यहाँ पर बनाया गया है। और इस वाइन्स इस जो फैक्ट्री की जो खासियत है, वो जो अपने उत्पाद हैं, हमारे उत्तराखंड के जो उत्पाद है, चाहे वो बुरांस हो, बेड़ हो, या बेड़ू हो, या दूसरी चीज़ें हैं, जिंजर अदरक हैं, इन सब चीज़ों को यूज किया जाता है। और ये वाइन्स कहीं ना कहीं हमारे शरीर के भी फायदेमंद है। ये पूरी फैक्ट्री है जो यहाँ पर, आइए बात कर लेते हैं। हमारे साथ सर हैं, मैनेजर हैं, बात कर लेंगे। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमनदेव रावत है। कहाँ यहीं रहते हैं? और मैं आपका कोटद्वार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, जो ये जो फैक्ट्री है, ये जो प्लांट है आपका, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी, हमारा जो प्लांट है, ये आपका जो बेसिकली हमारा फ्रूट वाइन्स बनता है, और जो हम इसमें जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, हम अपने पहाड़ों का, उत्तराखंड का, जैसे हमारा बुरांस हो गया आपका, बेड़ू हो गया आपका, और अदरक भी आते हैं हमारे, उसके अलावा खुमानी हो गया। तो जो हमारे प्रोडक्ट्स जो हम काफ़ी टाइम से जिसे हम इग्नोर कर रहे थे, तो उस प्रोडक्ट्स को हम थोड़ा सा चाहते हैं कि हमारी जनता, हमारी पहाड़ की जनता के बीच में इसको लाया जाए। और किस रूप में लाया जाए, तो कोई जूस के रूप में लाता है, तो हम इसे वाइन्स के रूप में लाए हैं। वाइन्स के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो आपने कई तरह के अल्कोहल पिए होंगे, लेकिन वाइन्स बेसिकली इसको हायर कैटेगरी में रखा जाता है। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जनता को अच्छी चीज़ मिले। वाइन्स आपके अल्कोहल उसमें कम होता है, लेकिन ये आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद भी होता है, अगर आप लिमिटेड अमाउंट में पी जाए। मतलब तो देखिए, लिमिटेड अमाउंट में अगर पियेंगे, आइए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको ये पूरा प्लांट। और एक मेरे पास बोतल भी थी, छोटी वाली बोतल दिखाइए वगैरह। ये है इनकी पैकिंग देख सकते हैं आप, ये बहुत बढ़िया पैकिंग है। और कितना ML होगा ये सर? 200 ml लिखा हुआ है। 200 ml का है। और ये जिंजर से बनी हुई है। ये अभी फिलहाल हमने जिंजर वाइन से किया है, लेकिन आगे हम अपना बुरांस में भी निकालेंगे, बेड़ू में भी निकालेंगे, मैंगोज में भी निकालेंगे। इसके अलावा आपको जो भी पहाड़ के हमारे जो प्रोड्यूस बचे हैं अभी, उन पे हम टेस्ट करके उसको आगे कोशिश करेंगे कि हम अभी हम मतलब आपने जिंजर से शुरुआत की है, तो अभी जिंजर वाइन इन्होंने बनाई है। आइए देख लेते हैं, प्लांट देख लेते हैं। और ये जो जिंजर वाइन का ये जो बोतल आप देख रहे हैं, 200 ml की ये जो बोतल है, ये 100 rupees की है। ये आपको वाइन शॉप में अभी कहाँ, ये कोटद्वार में मिल रही है? ये अभी ये स्टार्टिंग हमने अभी देहरादून से करी है, लेकिन हम धीरे धीरे सारे जगह कवर करते हुए पौड़ी में भी लाएंगे, और जो भी हमारे उत्तराखंड के जो भी डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट को धीरे धीरे करके कवर किया जाएगा इससे। तो अभी सिर्फ ये देहरादून में ये उपलब्ध है, और अभी धीरे धीरे पूरे उत्तराखंड में भी चीज़ें होंगी। थोड़ा सा प्लांट के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि कैसे, क्या प्रोसीजर है, कैसे करते हैं आप लोग? बेसिकली मैं आपको बता दूँ, हमने बेसिकली स्मॉल्स मशीन का यूज़ किया गया है, जो कि जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी हाइड्रोलिक प्रेस है। इसमें हमें कोई भी हम प्रोडक्ट लेंगे, जैसे हमने जिंजर का, इसमें हमने रस निकाला है। बेसिकली हम रस का यूज़ करेंगे, हम उसका जो सेडिमेंट है उसका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हम रस का यूज़ करते हैं। वैसे हमारी मशीन आपकी फ्रूट क्रशर हो गई, तो हमें किसी भी फ्रूट्स को क्रश करने का काम आता है। ठीक है, इसी हिसाब से अगर आप उस तरफ चलेंगे, आइए चलते इधर, और देखिए वाइन बना रहे हैं ये लोग। और वाइन एक, अगर दूसरी शराब से बात की जाए, तुलना की जाए, तो उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। एक तो आपको जो टेस्ट मिलता है, फ्रूट का जो टेस्ट मिलता है आपको, और इसमें 14 या 15% अल्कोहल बता रहे हैं ये, 14 से 15% अल्कोहल। बिल्कुल 14 से 15% अल्कोहल आपको मिलेगा इसमें, और ये आप डायरेक्ट पी सकते हैं। इसमें आपको कोई पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप बियर पीते हैं, लेकिन बियर में आपका शायद 6-8% होता है अल्कोहल, तो हमारे इसमें बियर में कम होता है। बिल्कुल कम होता है, इन केस इसमें अल्कोहल ज़्यादा मिलेगा, और साथ ही साथ टेस्ट मिलेगा बढ़िया। टेस्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, हमारे पहाड़ों के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका टेस्ट। जिंजर से स्टार्ट किया है, आगे बुरांस, बेड़ू और दूसरी चीज़ों पर भी आप करेंगे। बिल्कुल, इसके बाद अभी यहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं, कितने हैं यहाँ पर? हमारे पास कम से कम 25 एम्प्लॉय अभी हैं। अच्छा, और अब जिस हिसाब से हमारा ग्रोथ होगा, तो उस हिसाब से हम एम्प्लॉयज़ को भी अपना बढ़ाएंगे। अच्छा, इसमें दो फायदे होंगे, एक तो जो हमारे जो प्रोडक्ट है, पहाड़ के जो चीज़ें हैं, वो यूज हो जाएंगी, है ना, उनको भी रोज़गार मिलेगा पहाड़ वालों को, और कुछ यहाँ भी एम्प्लॉय को रोज़गार मिलेगा। तो यहाँ जो एम्प्लॉय हैं वो लोकली है या बाहर वालों का? बेसिकली हम प्रमोट कर रहे हैं कि जो हमारे लोकल्स के एम्प्लॉय हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए। इवन देखा जाए तो पहाड़ में हमारे कई सारे किसान हैं जो पलायन कर रहे हैं,
लेकिन हम चाहते हैं कि वो अपने गांव में रह के वहाँ उस चीज़ को उगाए जो हम बुरास, तो खैर तोड़ा जाता है लेकिन वो भी एक पूरा प्रोसेस है वो करने का के लिए भी, उनको भी एक रोजगार मिल जाता है। कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो फिर वो धीरे धीरे उगाएंगे भी उस चीज़ को और रोजगार भी मिलेगा ही। बिल्कुल, कहीं आपने गांव में देखे हैं लोगों के पास पेड़ भरे के भरे पड़े हैं लेकिन उनके फलों को कोई खाता ही नहीं है, वो खुद भी नहीं खाते हैं। तो हम ये चाहते हैं, ये क्या चीज़ है? ये हमारा असल में मिक्सिंग टैंक है, जो भी मिक्सिंग, ये हमारा मिक्सिंग टैंक है, इसमें हम जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसको मिलाते हैं, उसको पूरा रोटेट किया जाता है, जब मिक्स हो जाता है टोटली तब हम उसको आगे जाके अपने टैंक्स में उसे रखा जाता है। अच्छा, टैंक्स में ये जो ड्रम्स है ये किस लिए हैं? ये अभी हमने शुरुआत ड्रम से करी थी लेकिन अब हम टैंक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। टैंक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जो टैंक्स है बड़े, इसमें अच्छा मुझे ये अभी सर बता रहे थे कि इसमें 6 महीने तक इसमें रखा जाता है। बिल्कुल, वाइन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप जितना उसको रखेंगे उतनी ही अच्छी होती है। आपने कई बार सुना होगा ना कि अल्कोहल की एक वैलिडिटी होती है 6 महीने साल भर, लेकिन वाइन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना पुराना जितना आप उसको जितनी पुरानी सर हाँ उतना वो उसके टेस्ट में और ज़्यादा निखार आता है जैसे बोलते हैं। इसमें 6 महीने रहती है, इसमें 6 महीने रह सकते, 6 महीने बाद यूज किया जाता है, 6 महीने बाद यूज़ करेंगे हम इसको। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर, फिर उसके बाद क्योंकि ये फिल्टर वगैरह काफ़ी चीज़ें होती है, काफ़ी प्रोसेस होती है, तो हमने इसीलिए इससे उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, फिर इसमें भी रखा जाएगा। अच्छा, इसमें ठंडा किया जाता है कहते हैं? बिल्कुल, ये आप सामने मशीन देख सकते हैं। अच्छा, आप एक बार दिखा दीजिए। ठीक, ये सामने है, इसे चिलर बोलते हैं। इससे क्या होता है कि टेम्परेचर कंट्रोल रखा जाता है उस चिलर से, इसको जो है टैंक का ठंडा रखा जाता है। हाँ, ठंडा भी या मेंटेन बोल सकते हैं हम, टेम्परेचर मेंटेनिंग, टेम्परेचर भी इसमें मेंटेन किया जाता है। जी बिल्कुल। आगे यहाँ पर बॉटलिंग होती है, आगे जाके तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये बॉटलिंग है, यहाँ पर बॉटलिंग होती है, और अभी इन्होंने सिर्फ जिंजर पे अभी वाइन लेके आए हैं और आगे धीरे धीरे, तो कब तक ये दूसरी जो फ्लेवर होंगे कब तक स्टार्ट हो जाएंगे? अभी आप देख रहे हैं, अभी बुनास का सीज़न आने वाला है, तो जैसे ही हमारा बुनास का आता है हम तो कंटिन्यू करने को रेडी हैं, जैसे हमें मिलता है प्रोड्यूस हम कंटिन्यू करेंगे उस चीज़ को। तो दोस्तों आज हम पहुँचे नहीं कराएंगे आपको, बिल्कुल वेट नहीं कराएंगे, जल्दी से जल्दी हम अपनी जनता के बीच में नया फ्लेवर आपका उत्तराखंड का इस बार बुनास का लेके आएंगे। तो दोस्तों आज हम अरिष्टम पहुंचे थे और यहाँ पर वाइन बनाई जाती है और वो सारी चीज़ें जो है अपने जो पहाड़ की जो चीज़ें हैं, चाहे वो बेड़ू हो, बुरांस हो और दूसरी चीज़ें, और कौन सी, खुमानी, इन सब चीज़ों को यूज किया जाएगा। तो वाइन में एक टेस्ट होता है, जैसे हम शराब होती है या बियर होते हैं उसका टेस्ट दूसरा होता है, लेकिन वाइन्स में टेस्ट भी होता है, फ्लेवर आता है, फ्रूट्स का फ्लेवर आता है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे जो पहाड़ के उत्पाद हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल भी हो जाएंगे और कुछ लोगों को रोज़गार भी यहाँ पर मिलेगा। तो अभी देहरादून में ये जो इनके जो प्रोडक्ट हैं वो देहरादून में जा रहे हैं, अभी धीरे धीरे कोटद्वार और दूसरी जगहों पर ये मिलेंगे, तो अच्छा प्रयास इन लोगों का है। तो वीडियो को पे लाइक, शेयर और कमेंट भी करना है, और कमेंट करके अपनी राय जरूर देनी है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।